एंड वेलकम टू माई शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बातें करेंगे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट के बारे में, यानी कि 1989 में रिलीज हुई प्रोड्यूसर डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा, विद स्टार्स अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर और सुरेश ओबेरॉय एंड लॉट ऑफ अदर एक्टर्स। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो रिलीज होने के पहले जब इसके पोस्टर लगाए गए थे तो 80s में एक ऐसा दौर था कि जो पिक्चर के जो पोस्टर होते थे वो रात को 2 बजे 3 बजे रास्ते पे लगाए जाते थे। आज आप जाकर देखो तो आपको सवेरे 9 बजे 10 बजे भी लोग पोस्टर लगाते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन उस वक्त 80s में पोस्टर्स रात को ही लगा देते ताकि सवेरे अगर पब्लिक रास्ते पे निकले तो उनको दिखाई देगा, कुछ नया लगना चाहिए, तो रात को लगा देते पोस्टर। तो परिंदा के जो पोस्टर लगाए थे वो एकदम डिफरेंट पोस्टर थे। जब लोग सवेरे उठ के जब पोस्टर देखे तो सिर्फ परिंदे उड़ रहे, ना किसी का नाम, ना किसी की शक्ल, कुछ नहीं, ना डायरेक्टर का नाम, ना प्रोड्यूसर का नाम, सिर्फ परिंदे नजर आ रहे। तो ऑल वर सरप्राइज, व्हाट इज दिस, क्या ये, क्या किसने लगाया, क्या लगाया, नोबडी नोज। सेकेंड वीक में वही पोस्टर था लेकिन उस पर नाम आ गया परिंदा। सम पीपल न्यू का ये अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर की पिक्चर है, सबको नहीं पता था। फिर थर्ड वीक में सबकी शक्लें आने लगी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सबके पोस्टर आने लगे। तो इस तरह से उसकी पब्लिसिटी की गई थी। और अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित देवर वेरी बिग स्टार्स एट दैट टाइम, एवरीबडी, नाना पाटेकर, जैकी श्रॉफ, एवरीबडी वर बिग स्टार्स। लेकिन अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो इस पिक्चर को जिस तरह से प्रमोट किया था एज अ माधुरी दीक्षित एंड अनिल कपूर फिल्म, अनिल कपूर नाना पाटेकर फिल्म, जैकी श्रॉफ को इस पिक्चर से साइड लाइन किया गया था, उनको ज़्यादा मतलब फुटेज नहीं दिया था। हालांकि पोस्टर्स भी में थे वो जैकी श्रॉफ, लेकिन ज़्यादा पोस्टर्स में नहीं थे वो। कुछ पोस्टर्स, सोलो पोस्टर्स में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित थे, नाना पाटेकर के सोलो पोस्टर, लेकिन जैकी श्रॉफ जी का सोलो पोस्टर एक भी नहीं था, वो सिर्फ बीच बीच में दिखाई देते थे। तो इस तरह से उनको साइड लाइन किया गया था। तो लोग जब ये फिल्म देखने गए तो लोगों को भी ऐसा लगा ये अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की फिल्म है और नाना पाटेकर की फिल्म है, नोबडी वाज टॉकिंग ऑफ जैकी श्रॉफ। तो ये फिल्म जब रिलीज हुई थी बैंड्रा के गैलेक्सी सिनेमा में रिलीज हुई थी, तो पीपल वेंट टू सी द फिल्म, तो सब ये बोल रहे थे अरे अनिल कपूर, नाना पाटेकर, माधुरी की पिक्चर है, नोबडी वाज टॉकिंग ऑफ जैकी श्रॉफ, तो सब इनका नाम लेके फिल्म देखने गए। लेकिन जब पहला शो खत्म हुआ और जब लोग बाहर आए तो एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली जैकी श्रॉफ। पूरी बाजी पलट गई थी क्योंकि सबको लगा, इवन द डायरेक्टर फेल दैट अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित एंड नाना पाटेकर ये लोग पूरा मार्केट लेके जाएंगे। काम सभी का अच्छा लगा, सबको, ऑडियंस को, लेकिन सबसे ज़्यादा दमदार परफॉर्मेंस और सबसे ज़्यादा काम किसका पसंद आया, डैट वॉज जैकी श्रॉफ। उनका जो इंट्रोडक्शन सीन है जब स्टेप्स पे ब्लू जीन्स पहन के वो जब चढ़ते ऊपर, तो लोगों ने इतनी सीटियाँ, इतनी तालियां बजाई। और जिस तरह से उनका और नाना पाटेकर का सीन, उनका और सुरेश ओबेरॉय का सीन, उनका और अनिल कपूर के साथ जो सीन बताया, उन पर लोगों ने बहुत सीटियाँ और बहुत तालियां बजाई। तो जैकी श्रॉफ पूरी बाजी पलटी हो गई और पूरा लाइमलाइट जैकी श्रॉफ ने ले लिया। बाद में उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले उस रोल के लिए। तो दिस वॉज द थिंग। तो रोल कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपका रोल छोटा होगा तो भी यू कैन मेक योर मार्क। तो दिस इज हैपन व्हेन परिंदा वाज रिलीज, एंड सेम थिंग हैपन व्हेन 1942 अ लव स्टोरी वाज रिलीज, सेम डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा। जैकी श्रॉफ को इंटरनल पॉइंट पर लाया गया, उनकी एंट्री होती है और इंटरनल होता है। इंस्पायर्ड दैट द मूवी फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन जैकी श्रॉफ का काम लोगों को बहुत पसंद आता। दिस वॉज सेकेंड टाइम इट हैपन, सेम थर्ड टाइम इट मिशन कश्मीर, बहुत छोटा रोल था और विधु विनोद चोपड़ा जी ने जैकी को बोला आप ये रोल मत करो, बहुत छोटा है, स्टिल जैकी श्रॉफ टू नो आई डू दैट रोल। और छोटा सा रोल था लेकिन लोगों को फिर भी पसंद आया वो। सो इट्स एंड ऑफ द डे, इट्स नॉट द लेंथ ऑफ द रोल, इट्स द मीट ऑफ द रोल। आपका रोल में कितना दम है, आपके परफॉर्मेंस में कितना दम है, आपकी एक्टिंग में कितना दम है, वही लोगों को पसंद आया। और यही चीज़ हुई फिल्म परिंदा के टाइम पे, इंस्पायर्ड और अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, दे गॉट अ वेरी लेंथी रोल और जैकी श्रॉफ को मिला बहुत छोटा रोल, लेकिन जैकी श्रॉफ शाइन्स द मोस्ट इन द फिल्म
और लोगों को उनका काम बहुत ही पसंद आया। आज भी लोग फिल्म देखते हैं तो लोगों को उस जो जैकी का रोल अभी भी याद है लोगों को, दैट वॉज द थंडरिंग परफॉर्मेंस बाई जैकी श्रॉफ। बाकी लोगों का भी अनिल कपूर जी का काम पसंद आया था, माधुरी जी का काम, नाना पाटेकर, सबका काम पसंद आया, अनुपम खेर, सुशम, सबका रोल सबको बहुत पसंद आया था और ये फिल्म लोगों को बेहद पसंद आई थी। लेकिन ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया हिट नहीं थी, एक बहुत डार्क किस्म की फिल्म थी, लेकिन लोगों को पसंद आई थी फिल्म और सब मेन सेंटर्स में फिल्म चली थी, लेकिन इट वॉज नॉट एन ऑल इंडिया हिट। तो ये जब फिल्म लगी थी तो लोग टूट पड़े देखने के लिए। और इसके पहले विधु विनोद चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई थी खामोश विद नसीरुद्दीन शाह, आई थिंक 1985-86 में बनाई थी। तो नसीरुद्दीन शाह वाज सपोज टू डू जैकी श्रॉफ रोल इन परिंदा, लेकिन आई थिंक फाइनल सेटलमेंट में क्या हो गया, उन्होंने बोला चलो जैकी श्रॉफ को दे दो ये रोल, एंड दैट रोल वेंट टू जैकी श्रॉफ। तो इस तरह से परिंदा फिल्म बनी थी। तो दिस आर माई व्यूज, माई ओपिनियंस अबाउट द कल्ट फिल्म, द क्लासिक फिल्म परिंदा विद स्टार्स अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नाना पाटेकर, सुरेश ओबेरॉय, अनुपम खेर एंड द थंडरिंग परफॉर्मेंस बाय जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ सर। सो गाइज, हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन दिस बाय बाय, सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।